नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका TV24 छत्तीसगढ़ में। जी हां दोस्तों, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी जहां पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के बारे में प्रदेश की जनता को संबोधित किया, साथ ही चुनाव के दौरान विभिन्न घोषणाएं जो बीजेपी के द्वारा किया गया था उसके बारे में भी चर्चा की, साथ ही किसानों से जो वादा किया गया था उन विषयों पर भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने प्रदेश की जनता को संबोधित है वो किया। तो चलिए मुख्यमंत्री जी ने क्या संबोधित किया, विस्तार से जानकारी के लिए उन्हीं की वाणी में सुनते हैं। जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान में मोदी की गारंटी में हमारी पार्टी ने छत्तीसगढ़ की जनता से वादा किया था, सभी वर्ग की चिंता करते हुए वादा किया था। हमारे प्रधानमंत्री स्वयं आकर यह आश्वस्त किए थे कि छत्तीसगढ़ में सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा, जो पिछले 5 साल के दौरान में 18 लाख लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए हैं, उनका पक्का का मकान सैंक्शन करने का काम पहला काम होगा। प्रावधान किए और मुझे ये भी बताते हुए हर्ष हो रहा है कि दूसरा ये वादा था मोदी की गारंटी में कि 15 साल के हम लोग के शासन काल में 2 साल का धान का बोनस नहीं दे पाए थे और हम लोगों को 15 सीट में आना पड़ गया था, और अभी मोदी की गारंटी में हम लोगों का वादा था कि हमारी सरकार बनेगी तो 2 साल का बोनस की राशि देंगे। और 25 दिसंबर जो श्रद्धेय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन रहता है, जिसको सुशासन दिवस के रूप में पूरा देश मनाता है, आप लोगों को बताते हुए गौरव हो रहा है कि पूरे प्रदेश के अंदर विभिन्न जगह कार्यक्रम रख के 12 लाख से भी ज्यादा किसानों के खाता में कुल 3716 करोड़ रुपया चंद सेकंड में उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए। और जो भी वादा मोदी की गारंटी में किए हैं, हमारी जो विवाहित माताएं हैं उनको महतारी बंधन योजना में 12,000 रुपया साल का देने का वादा है, उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर 500 रुपये में देने का वादा है, तेंदू पत्ता का कीमत 5,500 प्रति मानक बोरा, और जो पुरानी हम लोगों की सरकार के समय चरण पादुका योजना वगैरह थी वो सब चालू करने का है। विलंब हो गया है, सब चीज बताने की आवश्यकता भी नहीं है। दोस्तों, जैसे कि आप सबने मुख्यमंत्री साय जी को सुना कि उन्होंने हर विषयों पर तो चर्चा की, धान बोनस को लेकर के चर्चा की, महतारी वंदन योजना है इसको लेकर के भी चर्चा की, साथ ही वनोपज आधारित फसलों पर भी चर्चा की, लेकिन उन्होंने चुनाव के दौरान किए गए 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से किसानों के धान खरीदी को लेकर के उन्होंने कोई चर्चा है वो नहीं की। और किसान इस बात को लेकर के परेशान है कि सरकार कब उनसे 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदेगी, और इसी के आस में किसान है वो इंतजार कर रही है कि सरकार कब आदेश जारी करे और 3100 रुपये क्विंटल की दर से किसानों की धान खरीदी की जाए, लेकिन मुख्यमंत्री ने इसको लेकर के कोई चर्चा है वो नहीं की है। फिलहाल इसको लेकर के एक आदेश है वो जारी किया जाएगा, तभी किसानों से 3100 रुपये की दर से धान खरीदी है वो होगी। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, इस विषय पर आपका कोई राय है तो नीचे कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट करके बताइए, और साथ ही अपने अन्य मित्रों तक खबरें हैं वो जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस बारे में जानकारी हो। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम किसानों से जुड़ी खबरें आप सबके लिए हमेशा लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।